और अब बात करते हैं सीधी की, जहां जिले के रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत एक बार फिर से भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां सीधी से रीवा जा रही बस अनियंत्रित होकर एक घर के पास जा घुसी है। बस पेड़ से टकराकर रुकी थी। दुर्घटना में बस में बैठे 26 यात्री घायल हो गए हैं। बस में करीब 70 से ज्यादा सवारियां बैठी हुई थी। अचानक वह अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसी। गनीमत यह रही कि घर के पास एक बड़ा भारी पेड़ था, उससे टकराने के बाद बस घर पर पलटने से बच गई। समाज सेवियों की वह रामपुर नैकिन नगर पंचायत के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। पवन गौतम, मनीष गौतम, सत्यनारायण पांडे सहित दर्जन भर युवा इस कार्य में जुटे हुए हैं। BMO डॉक्टर प्रशांत तिवारी ने बताया कि हमारे यहाँ करीब 25 से 26 लोग आए हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।